नमस्कार, आप अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेल बुलेटिन सोनू के साथ। हर घर तिरंगा अभियान का लेके जिला भर में तिरंगा यात्रा रैली और घर घर तिरंगा पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य और नेता के द्वारा लगावा जात लाग हवे। यही दौरान कुछ दिन पहले रीवा के स्टेडियम में आयोजित तिरंगा अभियान में रीवा कलेक्टर SP और भाजपा के जिलाध्यक्ष के साथ भाजपा से प्रज्ञा त्रिपाठी महापौर के दावेदार रही हैं। उनकर हाथे में उल्टा तिरंगा लय के फोटो खिंचवावे की एक फोटो वायरल भय हब, जो उनके काफी चर्चा के विषय बना हब। आई सुनाई थे मामला में भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह से बात कीन गए तका कहीं। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चलने वाला दल है और इसी वजह से आज विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। जहाँ तक रही राष्ट्रध्वज की, तो उस कार्यक्रम में मैं स्वयं भी था। रीवा के कलेक्टर थे, मान पुलिस अधीक्षक थे, सभी प्रशासनिक अधिकारी थे। लगभग 5,000 लोगों की तिरंगा यात्रा थी। पूरी रैली में मैंने देखा है, हर जगह सीधा झंडा लगा हुआ है, सीधा राष्ट्रध्वज लगा हुआ है। वहाँ पे गुब्बारा उड़ाने के दौरान पता नहीं क्या त्रुटि हुई, कैसे हुई, या झंडे का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा, जिस वजह से बच्चे थे, बच्चों ने पकड़ाया है, तो एक क्षण के लिए वो उनके हाथ में आ गया। कोई ऐसा अपमान की बात नहीं है, झंडे का पूरा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति भाव जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे देश में एक अभियान चलाया है। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा का भी हर कार्यकर्ता पदाधिकारी उस अभियान में लगा हुआ है। हम झंडे का पूरा सम्मान करते हैं, हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा तिरंगा पूज्य है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर में पूरे देश में अमृत महोत्सव मनावा जात लग है। एन के उपलक्ष्य में 13 अगस्त का शिवनगरी देवतलाव से हर घर तिरंगा यात्रा के शुभारंभ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तिरंगा लहराए के करें। यह तिरंगा यात्रा देवतलाव से शुरू हो के नई गढ़ी, मऊगंज, पन्नी, रतनगवा, नगई मोड़, सीतापुर, तमरी, डिहवार, सुकुलगवा से हो के पुन के देवतलाव पहुंच गई। इसमें सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा धन्यवाद ईश्वर को करना चाहता हूं। जैसा वातावरण था, ऐसा लगता था कि यात्रा पूरी नहीं होगी, बीच में पानी गिरेगा, पूरा प्रतिरोध पैदा होगा, परंतु उसको भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि भोलेनाथ की नगरी से निकले थे, इसलिए उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि लगातार हम पूरी यात्रा कराने के बाद ही अब ईश्वर से प्रार्थना की शाम को जरूर बरस जाना। और रीवा जिला की मैं कहना चाहता हूँ, आज रीवा जिला की देवतला विधानसभा क्षेत्र की पहली तिरंगा यात्रा है जो इतनी सफलतापूर्वक आयोजित हो रही है। मैं अपने राजस्व के प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे कलेक्टर साहब को, पुलिस के अधिकारियों को, SP साहब को, हमारे थाने, तमाम थाने के अधिकारियों को, प्रभारियों को, राजस्व के तमाम तहसीलदारों को, कानूनगो को, कलेक्टर साहब को, सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस यात्रा को उन्होंने सफल बनाया है। अब हम परसों 15 तारीख को 15 अगस्त का झंडा रोहण करेंगे। आपसे आग्रह है कि देवतला विधानसभा को एक अवसर मिला है जो कई वर्षों से प्रतीक्षित हुआ करता था। एक के आपके प्रतिनिधि को 15 अगस्त को रीवा में झंडा फहराने का अवसर मिलता है, उसको देखने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। वहाँ आइए 9 बजे स्टेट ग्राउंड में, और वहाँ भी देखिए कि आपका प्रतिनिधि वहाँ पर झंडा फहरा रहा है। इसलिए आमंत्रण करते हुए 4 बजे से नगर पंचायत बंगाबा का शपथ ग्रहण हो रहा है, 4:30 बज गया है, उसके भी टाइम फिक्स होते, इसलिए हमको तत्काल निकलना है। आपको सबको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रीवा में कलेक्टर कार्यालय से जिला प्रशासन के द्वारा तिरंगा अभियान के तहत विशाल बाइक रैली निकाली गई है। ये रैली में ADGP KP वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े सहित जिला भर के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल शामिल रहे। Hare 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 Hare
उद्देश्य तो जैसा हम लोग प्रतिदिन बात कर रहे हैं लगातार, प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, प्रत्येक प्रतिष्ठान के ऊपर तिरंगा लगे, और जो हर घर तिरंगा है इसमें रीवा ज़िला में कोई भी परिसर, चाहे वो आवासीय हो, वाणिज्यिक हो या शासकीय बिल्डिंग्स हो, कोई भी बिना तिरंगे के लहराता हुआ ना दिखे, यही उसका उद्देश्य है। और इस कोशिश में हम लोग लगातार हर वर्ग के लोगों के साथ इस तरह के जन जागरूकता की रैली कर रहे हैं। आज सभी लोगों के साथ शासकीय और अशासकीय एक बड़ी विशाल रैली की गई है। इस रैली के माध्यम से हम लोग रीवा के जो कुछ ऐसे स्थानों पर जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हम लोग गोविंदगढ़ किले पर जाएंगे और गोविंदगढ़ किले के बाद फिर वाइट सफारी मुकुंदपुर जाएंगे और वहाँ से फिर वापस यहाँ आएंगे रीवा में। इसमें पुलिस के, एसएएफ के, सरकारी रेवेन्यू के, जनपद के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, एनजीओ के लोग, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इस माध्यम से हम लोग हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको ज़िले में 100% सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस रैली का मात्र ये उद्देश्य है कि हमारा समाज जागृत हो और हर घर में तिरंगा फहरे। ये हमारे माननीय मोदी जी ने इस 75वें वर्ष को जो है अमृत महोत्सव का नाम दिया है, और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हो सके और घर घर में तिरंगा लहराए, ये हमारा उद्देश्य है। विंकट क्लब में जनजाति रिसर्च और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कृति शुक्ला के डोर्स ऑफ इंडिया पर आधारित फोटोग्राफर के 2 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यह प्रदर्शनी में कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, रचना श्रीवास्तव, प्रोफेसर तिवारी के साथ समाजसेवी और अधिकारी मौजूद रहे। एक्चुअली मेरा जो प्रोजेक्ट चलता है तो उसका मैं वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हूँ, तो आर्ट, कल्चर और हेरिटेज का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या रोल रहता है, ये उसके बारे में है। तो फोटोग्राफी तो मैं करती ही थी, तो दरवाजे जब मैंने पुराने देखे तो दरवाजे जो अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग सिटी के जो दरवाजे हैं, तो अलग अलग स्टोरी बताते हैं। अगर आप यहाँ के दरवाजे देखेंगे, रीवा के दरवाजे देखेंगे, तो यहाँ आपको मछलियाँ दिखेंगी, तो मछलियों का कैसे दरवाजों के साथ लिंक है, मछलियाँ यहाँ शुभ मानी जाती हैं तो इसलिए यहाँ पे मतलब मछलियाँ। अगर जो आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइगर या फिर एलिफेंट रहते हैं, तो उस चीज़ का क्या मतलब लिंक हो सकता है एनिमल्स का, तो ये उस चीज़ पे मतलब मैंने दरवाजों के साथ थोड़ा सा लिंक करने का कोशिश की है। कितने जगह के दरवाजे होंगे, कितने दरवाजे होंगे और कैसे ये बनाया? तो 2016 से मैंने स्टार्ट किया था। मैं वैसे वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हूँ और मैं जगह जगह ट्रैवल करती हूँ अपने रिसर्च पर्पज़ से, तो जगह जगह मुझे लोकल आर्ट कल्चर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करना अच्छा लगता है। तो हर जगह के, जब मैंने 2020 में मैंने अपने चीज़ें सेग्रीगेट करना स्टार्ट की, तब मुझे मतलब पता चला कि अहमदाबाद के दरवाजे अलग हैं, अगर राजस्थान आप जाओ तो जयपुर के दरवाजे अलग दिखेंगे, जोधपुर के दरवाजे अलग दिखेंगे, रीवा के दरवाजे अलग दिखेंगे। तो हर जगह के जो दरवाजे हैं अपनी अलग एक स्टोरी बताते हैं। समुदाय विशेष के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे वाले भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कैलीन हवा, वहीं उनके घरे माँ गोली चले के घटना में हत्या के प्रयास के मामला दर्ज कैलीन हवा। आई अपना पंचन का सुनाई थे भाजपा नेता सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा के खिलाफ शिकायत करे वाले ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष का JFIR के जानकारी दीन हवा। विगत दिनों जो फेसबुक में वीडियो वायरल हुआ था सत्येंद्र पटेल गुड्डा नामक व्यक्ति के द्वारा, जिनने ब्राह्मण समाज और छत्री समाज के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, साथ में विप्र सेना संघ और युवा छत्री वाहिनी, साथ में और भी कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर हम लोगों ने सिविल लाइन थाने में कल ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के संदर्भ में प्रशासन द्वारा कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर हम FIR की कायमी करेंगे। अभी FIR की कायमी यहाँ पे कर ली गई है और ये इसमें और भी जितने संगठन जिन्होंने यहाँ पे आवेदन दिया था, उन सभी को यहाँ पर उनका भी बयान दर्ज होगा। उनके बयान के अनुसार आगे की कार्रवाई
थाना प्रभारी महोदय द्वारा की जाएगी, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। क्या नाम आपको? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष। रीवा जिला के मऊगंज में पहली बेर 500 मीटर के विशाल तिरंगा लय के हजारन जने चाक मोड़ से मऊगंज न्यायालय तक 3 किलोमीटर के दूरी तय करी हमा। यह तिरंगा यात्रा वारसी समाज की अगुवाई में की गई है। एमा मऊगंज SDOP नवीन दुबे, थाना प्रभारी श्वेता मौर्य अपने दल बल के साथ कार्यक्रम में शामिल रहे। एमा ट्रैक्टर रैली निकाली गई जेमा मुस्लिम समुदाय के साथ, हिंदू समुदाय के साथ, राजनीतिक दल के लोग शामिल रहे। में अभी तक इस तरह का आयोजन नहीं हुआ है। आज पहली मर्तबा देश की आज़ादी के 75वें दिवस में जो है हमने निर्णय लिया कि आयोजन किया जाना चाहिए और एक मिसाल कायम हो और तिरंगे झंडे की जो रैली निकाली गई है उसमें तमाम लोगों का सहयोग भी रहा और ये पहला अवसर है इस तरह की रैली शायद ही कभी मऊगंज में कभी भी नहीं निकली और हमारी आत्मा अंदर से ये आवाज़ करी कि ये आयोजन किया जाए और हमने अपने कुछ साथियों से अपने काम करने कार्यकर्ताओं से मशवरा किया और उन्हें इसकी जो है कहा कि नहीं ठीक है, हम सब सहयोग करेंगे और ये यात्रा निकाली जाए और तिरंगा झंडा की मान सम्मान और उसकी आदर जितना भी हम लोग कर सकते हैं करते हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक ये जीवन है, जब तक इस तिरंगे झंडे का मान सम्मान बराबर होता रहेगा। हमारी समाज की तरफ से यही पैगाम रहता है कि वारसी समाज एक प्यार और मोहब्बत लेकर के जन्म लिया है और भाईचारे का पैगाम दिया है और ये कहा है एक दूसरे से इखलाक रखो, मोहब्बत करो, प्रेम करो, किसी से नफरत मत करो। आज खातिर इतना, बघेली माँ बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त, नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिश सिंह नवस्था। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जुगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर दीपचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी फैजान खान डायरेक्टर GN एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेश वासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राष्ट्रकांत। हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे बिंद के युवाओं को, बिंदवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को
जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।